वी लॉगिंग के लिए ड्रोन मंगाना था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कौन सा ड्रोन मंगवाऊं। तो सोचा अमेजोन से कोई सा भी रेंडम ड्रोन पिक कर लेता हूं। और फिर प्राइस को ध्यान में रखते हुए ये ड्रोन सिर्फ 2299 2299 रुपए का मंगवाया। मेरा डिसीजन बहुत सही निकला। इस ड्रोन में इतने सारे फीचर्स हैं जो नॉर्मल सभी ड्रोन में होते हैं। वीडियो को देखते देखते कभी भी ड्रोन ऑर्डर का मन करे तो इस ड्रोन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये एक बहुत ही सस्ता ड्रोन है बिगिनर्स के लिए। अमेजोन प्राइम अमेजोन की बहुत ही सही चीज है। फ्री डिलीवरी ऑफर्स, फ्री ऑडियो वीडियो रीडिंग्स, अर्ली एक्सेस एंड एक्सक्लूसिव डील्स, फैमिली ऑफर्स, गेमिंग ऑफर्स और पता नहीं क्या क्या। अमेजोन प्राइम एक्सेस लेने की डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो कंटिन्यू करते हैं। बॉक्स को खोलने के बाद मेरे को एक ये सूटकेस टाइप का बॉक्स मिला जिसके अंदर ड्रोन एंड उसकी एक्सेसरीज रखी हुई थी। मैंने ड्रोन फर्स्ट टाइम ही मंगवाया था तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसमें क्या क्या आता है और ये ड्रोन कैसे उड़ेगा, कैसे काम करेगा। इसमें से एक रिमोट, एक ड्रोन और एक कवर निकला। इस कवर में चार्जिंग केबल, ड्रोन के एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स और एक स्क्रू ड्राइवर निकला। ये कैसे उड़ेगा, कैसे कनेक्ट करना है, ये आइडिया लगाते लगाते मैंने इसके पंखों को खोला। पंख इतने टाइट से जुड़े हुए थे ऐसे डर भी लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए। ड्रोन के पंख एकदम बराबर में नहीं होते, आगे वाले पंख हल्के से पीछे वाले पंखों की तुलना में ऊंचे होते हैं। जो एक्स्ट्रा पंख है वो लगाने है कि नहीं पता नहीं था। मैंने तो सोचा था कि ये एक्स्ट्रा पंख लगाने से इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। फिर सेटिंग बैठी नहीं तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार, जितनी स्पीड है उतनी ही ठीक है। मैंने इसको ऑन किया एंड रिमोट को उठा के स्क्रू ड्राइवर से बैटरी बॉक्स को खोला। बैटरीज थी नहीं तो जल्दी से बैटरीज को मंगवाया। इस रिमोट में 8 तो केवल बटन थे और 2 घूमने वाले बटन थे। लेफ्ट वाले बटन को ऊपर नीचे करने पर ड्रोन ऊपर नीचे जाता है और बटन को लेफ्ट राइट करने पर लेफ्ट राइट घूमता है, ड्रोन घूमता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। राइट साइड वाले बटन से ड्रोन आगे पीछे लेफ्ट राइट उड़ता है। जिस साइड में ड्रोन लेके जाना है बटन को उस साइड में कर दें। ड्रोन का ये कैमरा 90 डिग्री तक घूमता है, मतलब सीधे से नीचे तक। ड्रोन के नीचे भी कैमरा था। कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक थी, मतलब फर्स्ट टाइम ड्रोन उड़ाने एंड रिकॉर्ड करने के लिए तो ठीक ही था। ये एक तार दिखा जो ड्रोन की रिमोट तक कनेक्टिविटी बनाए रखता है। अब मेरे को ये पता नहीं था कि इसकी बैटरी कहाँ है, इसको खुद को चार्जिंग में रखना है या बैटरी को निकाल के चार्ज में लगाना है। तो इस ड्रोन को मैंने इधर उधर घुमाया फिर भी नहीं पता चला, कभी ड्रोन कभी रिमोट को उठा ही रहा था मैं तो। मैंने वीडियो को पॉज किया एंड सही से देखा तब पता चला कि बैटरी यहाँ लगी थी। बैटरी को मैंने चार्ज में लगाया एंड रिमोट में बैटरीज लगा दी, दोनों को ऑन किया। अब ये उड़ेगा कैसे अभी तक नहीं पता था। मैं बस रिमोट के बटन छेड़ रहा था, अचानक से लाइट जल्दी जल्दी ब्लिंक करने लगी एंड पंख चलने लग गए थे। लेफ्ट साइड वाले बटन को मैंने ऊपर किया एंड ड्रोन अचानक रिकॉर्ड करने वाले कैमरा स्टैंड एंड मोबाइल से टकरा गया। गए ये तो ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन ड्रोन ठीक ठाक था। ये गाइड थी जिसमें ड्रोन को कनेक्ट करने वाली ऐप की डिटेल्स थी। प्ले स्टोर से मैंने ऐप डाउनलोड कर ली। अब इसको कनेक्ट कैसे करें वो फर्स्ट टाइम मैं किसी को पता भी नहीं लगेगा। कनेक्ट करने के लिए ड्रोन हॉटस्पॉट बन जाता है जिसको अपन मोबाइल में वाईफाई के द्वारा जोड़ना पड़ता है। ये कनेक्ट हो तो गया, कैमरा भी चालू गया। अब हम ड्रोन को लेके आ गए ओपन एरिया में एंड उड़ाने लगे। उड़ाने में बहुत मजा आ रहा था। इस ड्रोन को हम ऊपर लेके गए लेकिन हवा चलने के कारण ये हवा के साथ ही चला जा रहा था। हमने रिस्क ना लेते हुए इसको नीचे ले आए, इसको नीचे ले लिया और पेड़ों के पास लेके चले गए। रिमोट में एक ऐसा बटन है जो ड्रोन को सिंगल क्लिक में उड़ा देता है और दूसरे ही सिंगल क्लिक में लैंड करा देता है। 8 बटनों में से राइट साइड के 4 बटन ड्रोन को स्टेबल करने के लिए काम में लिए जाते हैं। लेफ्ट साइड के 2 बटन के बारे में पता चला नहीं। हम तो इसको उड़ा रहे थे, पेड़ों के पत्ते काट रहे थे और GoPro कैमरे से हाई क्वालिटी के वीडियोस बना रहे थे। ये ड्रोन फ्लिप भी करता है। हर एक ड्रोन की खासियत तो होती है, ड्रोन जिस पोजीशन पर उड़ रहा है उसको जबरदस्ती किसी और पोजीशन पर लेके चले जाते हैं तो वो ड्रोन वापस उसी पोजीशन पर आ जाता है जहां पर वो पहले उड़ रहा था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ड्रोन की पूरी कहानी शुरू से लेकर एंड तक। बताना कैसी लगी। ये ड्रोन आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता ड्रोन है और क्वालिटी का ड्रोन है। ये प्रॉब्लम है ना। ओके
बड़े ये पोजीशन की और वीडियो क्या ये इधर।